मुंबई सागा को लेकर संजय गुप्ता काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब ऐसे में उन्होंने हैदराबाद जाके शूटिंग करने के लिए इनकार कर दिया है। क्या है वजह, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइन। संजय गुप्ता की आने वाली फिल्म मुंबई सागा को लेकर ऑलरेडी इतना ज्यादा बज बना हुआ है कि हर कोई इस फिल्म का इंतजार कर रहा है। फिल्म में जॉन अब्राहम है, इमरान हाशमी है, संजय दत्त है, जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब है। अब ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब ये फिल्म आए, लेकिन फिल्म आने से पहले फिल्म की शूटिंग को पूरा करना ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में प्लानिंग ये थी कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो संजय गुप्ता अपनी टीम के साथ में हैदराबाद जाकर रामोजी फिल्म सिटी में जाके शूट करने वाले हैं बचे हुए कुछ पार्ट्स को। लेकिन अब जो है संजय गुप्ता ने इस बात से इनकार कर दिया है। वेल, उन्होंने एक पोर्टल से बात करी, पोर्टल के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मुंबई सागा फिल्म की शूटिंग वो हैदराबाद में ही करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र के साथ साथ हैदराबाद में भी रोजाना 30,000 लोग संक्रमित पाए जाते हैं। अब ऐसे में वहां जाके टीम के लिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि फिल्म की शूटिंग जब भी शुरू हो वो मुंबई में ही हो जाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन क्योंकि हैदराबाद में इतना ज्यादा कहर बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए संजय गुप्ता ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। हालांकि उन्होंने टिकट्स हो गए और अपना क्रू हो गया, इन सभी का चुनाव वो ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया है। कहा जा रहा है कि संजय गुप्ता अपनी बाकी बची हुई शूटिंग के लिए महबूब स्टूडियो को बुक करने वाले हैं। बता दूं आपको, इससे पहले राधे की शूटिंग के लिए भी महबूब स्टूडियो को ऑलरेडी बुक किया जा चुका है। ऐसे में इंतजार रहेगा कि कब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।